हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड एमिर परमार। स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार। दोस्तों आज अपना टॉपिक है अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपकी आने वाली कंपटीशन एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न आप सामने, यदि एक्स वाई बराबर 18 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 है, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसने दिया एक्स वाई बराबर 18 दिया, इन दोनों का गुणा 18 है। इसके दो फैक्टर कीजिए। देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। देखिए अगर इसके फैक्टर अपन करते हैं, जैसे कि 6 × 3 18 हो गया, लेकिन ये इसको फॉलो करना चाहिए, मैच करना चाहिए। एक्स का मान अगर 6 रखते हैं तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे, y का मान अगर 3 रखें तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 6 कितना होगा 36, 3 कितना होगा 9, 36 और 9 कितना 45, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर गया। जब इसको सब फॉलो कर गया, इसको फॉलो कर गया, तो ये x का मान 6 होगा और y का मान 3 होगा। तो कह रहा है x प्लस वाई का मान, x का मान कितना हो 6 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन में आ रहा, डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखो दोस्तों इसमें दिया एक्स एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72 दिया है और ए बी बराबर 8 दिया है। देखिए ए बी बराबर कितना दिया 8, 8 के दो फैक्टर कीजिए अपन, तो 72 आना चाहिए। देखिए 72 कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 कितना दिया इसने, 8 दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 × 4, 2 × 4 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 और 3, यहाँ a का क्यूब और b का क्यूब है, a का क्यूब है 2, 2 का क्यूब कितना होगा, देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, अगर 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। 8 × 4 = 12 का 2 × 6 = 7 72 हो गया, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अब प्रश्न पूछे अपने पास, हमने प्रश्न है कि a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या होगा। तो a का मान कितना है इसमें, a का मान 2 है, b का मान 4 है, तो 2 + 4 = 6 हो जाएगा, तो 6 बी ऑप्शन मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए, x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर ये संख्या दे रखी है और x माइनस वाई बराबर 4 दे रखे हैं, x वाई बराबर 12 दे रखे हैं। अब x वाई से अपन संख्या निकालेंगे, देखिए 3 × 4, 3 × 4 कितना होगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस वाई, तो यहाँ पे अगर x का मान यहाँ पे 4 रख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 3 रख दें तो 4 − 3 = अगर 4 − 3 करें तो यहाँ 1 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, इसलिए गुणनखंड इसका सही नहीं आ रहा। अपनों को 4 चाहिए, तो देखो 6 × 2, 6 × 2 = 12, ठीक है, और 6 − 2 = 4, ये इसको भी सेटिस्फाई कर गया। तो x का मान क्या होगा, 6 होगा, y का मान 2 होगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मानेंगे, एक्स क्यूब मतलब कितना होगा 6 − 2 = 3, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 216 में 8 गए तो कितना बचे 208 बचे, 208, यानी कि बी ऑप्शन अपना मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोग के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी बराबर 3 दिया,
ए बी बराबर चार दिया, तो देखिए इस ए बी बराबर चार, तो चार को अपनों को ए प्लस बी बराबर तीन चाहिए अभी, ए प्लस बी बराबर तीन चाहिए, ए प्लस बी बराबर तीन चाहिए। देखो तो ए बी बराबर चार, देखिए ये होगा, देखिए अगर इसको चार दिया तो अगर चार इंटू एक बराबर चार, यहाँ पे ए प्लस बी नहीं होगा, ए माइनस बी होगा, चार माइनस एक बराबर तीन, चार माइनस एक बराबर तीन, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मान। अब देखिए ये चार है तो चार का क्यूब प्लस एक का क्यूब, चार का क्यूब कितना होगा, चार का क्यूब कितना होगा, चौंसठ प्लस एक बराबर पैंसठ, तो ये ऑप्शन अपना पैंसठ इसका राइट आंसर हो गया, पैंसठ अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई बराबर अट्ठारह दे रखा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पैंतालीस दे रखा, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स वाई बराबर अट्ठारह दे रखा, तो दो इंटू नौ, दो नौ अट्ठारह, लेकिन क्या दोनों अठारह सी संख्या आ जाएगी, इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स का मान दो रखें तो दो का स्क्वायर प्लस नौ का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होगा, चार प्लस नौ में इक्यासी और चार एटी फाइव, जो एटी फाइव किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए गुणनखंड इसका सही नहीं होगा। अगर तीन इंटू छः रखते हैं तो क्या होगा, देखते हैं, देखिए ये गुणनखंड इसका सही नहीं हो रहा। अगला और देखते हैं, तीन इंटू छः देखते हैं, तीन रखते हैं तो तीन का स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर कितना होगा, नौ, छः का स्क्वायर छत्तीस, छत्तीस नौ पैंतालीस, ये ऑप्शन अपना मैच कर गया। तो एक्स प्लस वाई यानी कि तीन प्लस छः बराबर नौ, तो सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर दो है, तो अब यहाँ पे x की पावर 99 और y 1/9 x की पावर 99 बराबर क्या होगा। देखिए अब ध्यान से देखिए कि ये 2 कैसे बना, अगर इस x की जगह अगर 1 रखते हैं तो यहाँ अपन 1 रखा 1/1, तो इसको मान भी 1, 1 नहीं कितना हो गया 2, तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, अगर 1 लिखेंगे 1 की पावर 99 होगी प्लस वन अपान एक की पावर 99, तो एक की पावर 99 का मतलब क्या होगा, एक होगा, यहाँ पे भी एक हो जाएगा और दो, तो दो कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी ऑप्शन अपना मैच कर गया। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।